नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको एक हमारे इंटरेस्टिंग से वीडियो में। आज हम गाइस आपको बताने वाले भारत में सर्वाधिक तेलहन उत्पादन करने वाला राज्य का नाम कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा तेलहन कौन सा राज्य उत्पादन करता है, और प्रमुख तेलहन फसलों का नाम बताना चाहेंगे कि हमारे भारत में भोजन को पकाने में किन किन फसलों का तेलहन फसलों का प्रयोग होता है। तो उससे पहले आपको याद दिला दो, हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, आपको इस चैनल में इसी प्रकार का कंटेंट हमेशा सरसों से रिलेटेड मिलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों तेलहन के मामला में सोयाबीन उत्पादन होता है दोस्तों। जी हाँ, सबसे ज्यादा तेलहनों के मामला में सोयाबीन उत्पादन होता है दोस्तों, और सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक उत्पादन होते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश का नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोयाबीन का भी तेल बनता है दोस्तों, और ये भी एक्सपेलर में पेरा जाता है, जिस प्रकार से मस्टर्ड सीड्स को पेरी जाती है, और इसका भी तेल निकलता है जिसे भोजन पकाने में हम प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग सोयाबीन का तेल भी खाना पसंद करते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोग तो भोजन पकाने में सोयाबीन तेल का ही प्रयोग करते हैं। दूसरे स्थान पे मैं आपको बताना चाहूँगा मूंगफली। मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों, और नंबर सेकेंड स्थान पे आती है तिलहन के मामले में। मूंगफली मतलब बादाम का तेल भी यूज होता है दोस्तों भोजन को पकाने में, आपको अगर पता नहीं है तो। और गुजरात में सबसे सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, मूंगफली का भी तेल निकलता है जिस प्रकार से सरसों तेल निकलता है। तीसरे स्थान पे आती है सरसों, और सरसों सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान में उत्पादन होती है, ये सभी आप जानते होंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है मित्रगणों, और सरसों का तेल सबसे ज्यादा भारत में ही प्रयोग होता है। और भारत में तो दोस्तों जितना प्रयोग है उतना पैदावार भी सरसों नहीं होती, तो हमें दूसरे देशों से आयात कराना पड़ता है। और चौथे स्थान पे आती है दोस्तों सूर्यमुखी। सूर्यमुखी सबसे ज्यादा तेलहनों के मामला में कर्नाटका में उत्पादन होता है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका में सबसे ज्यादा सूर्यमुखी उत्पादन होती है दोस्तों, और सूर्यमुखी का भी तेल निकलता है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों। सूर्यमुखी का तेल भी काफी स्वादिष्ट लगता है उसे भोजन को पकाने में, जिसे फॉर्चून के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर फॉर्चून सोयाबीन से ही बनता है दोस्तों, सोयाबीन सूर्यमुखी या सोयाबीन से। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है दोस्तों, और नारियल भी खाद्य पदार्थों में आता है दोस्तों। तमिलनाडु का अधिकतर लोग तो नारियल का ही तेल यूज करते हैं भोजन को पकाने में। कहा जाता है अगर मोटापा को लूज करना है, घटाना है, तो नारियल तेल का भोजन आप खाइए पका हुआ, नारियल तेल से काफी वेट घटती है। उसके बाद दोस्तों कुसुम आती है तेलहनों के मामला में। कुसुम तेल जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है, मैं आपको बता दूं कुसुम तेल के बारे में। कुसुम तेल का इस्तेमाल वाटरप्रूफ कपड़ों के निर्माण में किया जाता है दोस्तों। तो वाटरप्रूफ जो कपड़ा बनती है उसमें कुसुम तेल का प्रयोग होता है, उस कपड़ा को बनने में। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, आप सभी सुन लीजिए कि सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूर्यमुखी, नारियल और कुसुम तेल का प्रयोग होता है तेलहनों के मामले में। भारत में सर्वाधिक इन्हीं सब फसलों का उत्पादन होता है। आप अगर इन सब जगहों से बिलोंग करते हैं तो इन सब तेलों का व्यापार खोल के अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने किसान भाइयों के साथ, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।